भाई है, जो उम्मीदवार है, इनके जो छोटे भाई है, उन्होंने अपनी तकलीफ कैसी जाहिर की हमारे सामने, वह हम आपको अभी बताते हैं। इन्होंने यह पूरा मामला जो है ये हमें फोन पर बताया हुआ है, तो हम अभी इनका फोन जो भी हमारा फोन के साथ फोन पर इनका जो संवाद हुआ था वह आपको अभी सुनाते हैं। यहाँ पे कैसा है, हमने राष्ट्रवादी की टिकट लेके बहुत बड़ी गलती कर दी भैया। अच्छा, यानी हम साला अपक्ष, यानी हाँ, वैसे भी हम बदनाम हुए हैं। हाँ, बराबर है वो। राष्ट्रवादी ने हमारे को टिकट दिए। खुशहाल कार्य सेठ ने, प्रफुल्ल सेठ के पास में भी कोई नेटवर्क नहीं है। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ, आप रिकॉर्डिंग कर लो, राजू सेठ को अगर कॉन्फ्रेंस में लेके, मैं उनसे बात कर सकता हूँ अभी। नहीं नहीं, अभी मैं उसको कॉन्फ्रेंस वगैरह, मैं कैंडिडेट का छोटा भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अभी कैसा है कार्य मोरे फैमिली, सुनिए ना भैया, अपन हार रहे भैया, मैं आप अपन हार रहे तो कैलकुलेटर ने का हार ही रहे तो क्या कैलकुलेटर ने का फिर। बराबर बराबर, लेकिन अब मेरे को एक बात बता, सुनो सुनो, किस चीज के लिए डरेंगे अपन, अपन हार ही, पहले सुन लो भैया, अपन हार ही रहे और हर चीज के लिए अपन तत्पर है, फिर काय के लिए डरेंगे अपन। आप कॉन्फ्रेंस में लेते होंगे तो राजू जैन भी चलता है मेरे को, अभी राजू जैन को मैं कॉन्फ्रेंस नेटवर्क पर आप नहीं है, राजू ने कैसा है, राजू जैन कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं होगा। बराबर, मेरा नाम विजय कार्यमोरे, पहले सुन लो भैया, ठीक है, आप टीवी चैनल वाले हो, आप बहुत बड़े, यानी बहुत बड़े आदमी हो, बराबर है कि नहीं, हम आपके आप नतमस्तक है, यानी आपके पैर पड़ के नतमस्तक है उसको बोलते, यानी कैसा है, अरे उनका हमारे को सपोर्ट नहीं है तो हम क्या कर सकेंगे, आप बताओ भैया। अरे पन मेरे को एक बात बताओ, आपने जब चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की है, राष्ट्रवादी वालों ने आपको, पटेल ने टिकट दिया, तो ये चीजें आपने पहले हाँ बस बोलो, आप बोलो भैया, पहले आपने ये चीजें देखी नहीं थी क्या कि इनका नेटवर्क क्या है क्या नहीं करके? आपको कभी भी क्या होता है, जिस जगह की अभी मैं मालूम है, जिस जब टिकटें फाइनल होने की थी, तब की मेरी फेसबुक में एक पोस्ट है, आप अगर देखोगे निशान भाई वाली मेरी एक फेसबुक आईडी है, उसमें मैंने लिखा है, अगर राष्ट्रवादी की टिकट चंद्रिकापुरे को अगर जाती है तो हारना तय है, समझे? यानी मैंने एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, आप बहुत बड़े आदमी हो, बराबर है, अभी बोलने को नहीं होना। हाँ, आपने पूरे इंडिया का सर्वे कर लिया क्या आपने? मेरा पूरा देश भरे का है, मैंने 2004 में, सुनिए, 2004 में मैंने नारायण स्वामी जो है ना पांडिचेरी के सांसद, आप इतने बड़े आदमी हो, फिर भाई जी को ये बात क्यों नहीं बोल सकते भैया? अरे भाई जी को बार बार बताता हूँ, भाई जी जब चुनाव हारे ना, एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं छोटा आदमी हूँ, पढ़ रहा हूँ, प्रफुल्ल पटेल को हमने ये पूरा मैटर नहीं क्या कई बार बैठ के समझा, छोटे आदमी है जी, फिर ये हमारे तक क्या करेंगे हम भैया? तो ये जो है ना, मैं प्रफुल्ल पटेल साहब को इसके पहले 3 बार बैठक हुई है मेरी उनके साथ, NMD कॉलेज में 2 बार हुई, 1 बार बंगले में हुई है, और जिस दिन वो चुनाव लड़ रहे थे, हमारे पास घर है, घर सुनिए ना, उनके बंगले पर नहीं क्या मीटिंग जब हुई थी लोकसभा चुनाव में, तभी मैंने उनको कहा था, पटेल साहब आप अभी जो चुनाव मधुकर कुकड़े को जिताए हो ना, ये चुनाव नाना पटोले अगर नहीं होता आपके साथ में और लाखांदूर में वो नहीं होता तो आप चुनाव नहीं जीतते थे, बोला तो नहीं नहीं बोले, ऐसा है ही नहीं बोले, अभी देखना बोले इस बार भी हमारा विन होगा बोला है। मैंने लास्ट मोमेंट पे बताया था कि अरे तुम उधर पटेल साहब भाषण दो ही मत, वो भागड़ी मांडल साइड में, उधर नाना पटोले को बोलो कि भाई तू अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के 4 दिन मेरा उधर की सभा मार दे एक एक तो भी। तो इनको 1,60,000 वोटों का गड्ढा नहीं होता, इनको करीबन 25,000 से 30,000 से ये जीत जाते थे, ये हमने लास्ट मोमेंट पे समझाया था। अभी भी मैंने इनको समझाया कि देखो रविकांत बोपचे को अगर तुमको जिताना है तो दिलीप बंसोड़ को किसी भी स्थिति में घर बिठालना पड़ेगा, ये उसमें भी असफल रहे। भैया 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 मैं क्या बोल रहा हूँ उतना मेरे को समझता नहीं। हाँ, अभी अभी कैसा करेंगे वो तो? हाँ, घोटाले की न्यूज चलाओ। हाँ, और वहाँ को घोषित करो राजू कार्यमोरे हार रहा है करके, ये न्यूज चला दो, चलवा दो, खत्म है भैया। हाँ चला दो, लेकिन क्या होगा? नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, राजू भैया से आपके अच्छे है ना। हाँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। हाँ, आप उनको अभी कॉन्फ्रेंस में ले सकते हो। अच्छा, क्योंकि अभी सब बिजी शेड्यूल है, सब आदमी बिजी है, बराबर है। यानी मैं कैसा अभी अभी हक से बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है अभी मेरे को भैया मिले नहीं।
कैसा अपन यहाँ का चुनावी हार रहे, काय के लिए लड़ नहीं पाल सकते अपन। बराबर सही। राष्ट्रवादी का एक भी कार्यकर्ता इसके मार्च, जब मैं हक से बोल रहा हूँ कि राजू जैन को फोन लगाओ, फिर मैं कुछ होगा तो अभी तभी बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, तभी बोल रहे हो। बराबर। एक्चुअली वो जो कॉन्फ्रेंस में लो वहाँ नहीं क्या, या तो मैं लेता हूँ कॉन्फ्रेंस में, राष्ट्र लो ना राष्ट्रवादी की, नहीं क्या बताऊँ वहाँ अगर वो। बराबर बराबर, लगाओ ना राजू जैन को फोन लगाओ। नहीं ऐसा बोल रहा है बोलना। अरे राजू जैन को फोन लगाया मैंने अभी तुम्हारे, एक मिनट में उसको कॉल पर लेता हूँ। लगा लगाओ फोन, अगर उठा तो, अगर उठाया तो ठीक है, क्योंकि अभी कैसा है बंदे बंदा आजकल नहीं क्या, बड़ा बिजी शेड्यूल में चल रहा हूँ करके बोलता है। वो काय का काम करते है, ये काय का काम करते है, कौन सा नेटवर्क है उनका, उनने बता नहीं को ना हमारे को। मैं अपने घर में नहीं गया आज तक के साला। हो गया, उठा ले तो बड़ा अच्छा है, 2 बजे है कि नहीं साला, उठा लेगा तो ठीक है। ये तो साला सो भी गया होगा अभी, सो गया मैं जान दो फिर। सो गया होगा। देखा आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो प्रफुल्ल पटेल, जो कि एक आइकॉन कहे जाते हैं, शरद पवार साहब के बाद इन्हीं का नाम लिया जाता है प्रफुल्ल पटेल का, और ये जो कारे मोरे जो है विजय कारे मोरे, इन्होंने वो साफ तौर पर फोन पर बताया है कि प्रफुल्ल पटेल के पास कोई भी उनकी पार्टी का नेटवर्क नहीं है, और जो उनके जो सहकारी है जो राजेंद्र जैन, जो खुद को एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर मानते हैं, उनके भी या इनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है उन पर नियंत्रण नहीं है, ऐसा इन्होंने अपने इसमें कहा है। क्या ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस इस विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है? एक वो तिरोड़ा विधानसभा पर रविकांत बोपचे को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है, उसके बाद मुर्गा और जुनी विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने महेंद्र चंद्रिकापुरे को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है, ठीक उसी के बाद इन्होंने कारे मोरे को अपना तुमसर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में इन्होंने किस तरीके से, इनका संगठन पूरी तरह से कोलैप्स होने के बावजूद, इनके जो जिन्होंने इनके टिकट लिए हैं, जिन्होंने इनके एबी फॉर्म लिए हैं, जो इनके प्रत्याशी है, उन्हें क्या क्या समस्या को सामना करना पड़ रहा है, हम आपको बता दें। तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग जो विधायक है विजय राहंगडाले, वो लड़ रहे हैं चुनाव, और उनके खिलाफ में लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ही राष्ट्रवादी में, जिन्होंने हाल ही में अभी 8-4 दिन पहले ही राष्ट्रीय कांग्रेस जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस, इसमें उन्होंने अपना परचम ये किया हुआ है, यानी उन्होंने उस पार्टी में अभी पहुंचे हैं, और ऐसी सिचुएशन में रविकांत बोपचे को कितना राष्ट्रवादी का समर्थन मिलेगा, यह भी चर्चा का विषय है। ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर रह चुके हैं राजकुमार बडोले, जो सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ में चंद्रिकापुरे यह चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रवादी के सीट से, और उसी के साथ ही साथ वहाँ जो चुनाव अभी जो तुमसर विधानसभा के चुनाव है, वहाँ से कारे मोरे जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके प्रत्याशी के रूप में भाजपा के उम्मीदवार पडोड़े करके हैं, वो उनका प्रत्याशी के तौर पर ये कर रहे हैं, लेकिन तुमसर विधानसभा क्षेत्र के जो चरण वाघमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, हाल ही में उनका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा हुआ है, और उन्होंने पेटी चुनाव चिन्ह पर वो अपक्ष रूप पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके उम्मीदवारों को कितनी विजय प्राप्त होगी, यह भी एक चर्चा का विषय है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के लौटने के बाद देखिएगा नागपुर के विधानसभा क्षेत्रों का क्या हाल है, हम आपको हमेशा बताते रहेंगे, हमारी अपडेट आपके पास पहुंचते रहेगी, बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।